नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं storyhow.in। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब मोबाइल सिम या बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। लेकिन उन कस्टमर्स का क्या जो पहले से ही अपने बैंक अकाउंट या अपने मोबाइल नंबर से अपने आधार कार्ड को लिंक करवा चुके हैं, तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी जगह जहां अब आधार कार्ड गैर ज़रूरी है, जहां आधार कार्ड की अब अनिवार्यता खत्म हो गई है, तो वहां से उसको कैसे डीलिंक कराया जाए। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब मोबाइल सिम पाने के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, स्कूलों में एडमिशन के लिए, CBSE, नीट और UGC के एग्ज़ाम्स के लिए और प्राइवेट कंपनियों के लिए आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न और सरकारी सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड अभी भी ज़रूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो ये प्रक्रिया जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको फॉलो करें और जानें कि कैसे आप उसे अनलिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको व्यक्तिगत तौर पर अपने बैंक की ब्रांच में जाना होगा जहां आपका अकाउंट है, और आपको बैंक के प्रतिनिधि से मिलना होगा। उसके बाद आपको सहमति के तौर पर एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप अपने डेटाबेस से आधार कार्ड को अनलिंक कराना चाहते हैं। इसके बाद 48 घंटे के अंदर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से अनलिंक हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आप नेट बैंकिंग के जरिए भी अपने आधार कार्ड को अनलिंक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने के लिए आप अपने KYC के दूसरे दस्तावेज भी साथ लेकर जाए, जैसे पैन कार्ड और पासबुक इत्यादि। अब आपको बता देते हैं कि अपने पेटीएम जैसे ई वॉलेट से आधार कार्ड को डी लिंक कैसे कराएं। इसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम के कस्टमर सेंटर में कॉल करना पड़ेगा और उनके प्रतिनिधि से बात करके आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने ई वॉलेट को आधार कार्ड से अनलिंक कराना चाहते हैं। इसके बाद आपको उधर से एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें आपको एक आपकी हालिया तस्वीर और आपके आधार कार्ड की एक स्पष्ट तस्वीर की मांग की जाएगी। इसके बाद आप उनके ईमेल का रिप्लाई करें और अपनी एक फ़ोटो और अपने आधार कार्ड की क्लियर सी तस्वीर उनको ईमेल कर दें। इसके बाद 72 आवर्स के अंदर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज प्राप्त हो जाएगा, जिसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके ई वॉलेट से अनलिंक हो गया है। अगर आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार फिर से कस्टमर सेंटर में कॉल कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को भी अपने आधार कार्ड से डीलिंक कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें। तो इसके लिए आपको अन्य दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो दस्तावेज़ होंगे। सबसे पहली बात कि आपने जो अपना EKYC कराया था, वो आपको फिर से कराना पड़ेगा, और उसके लिए जो दस्तावेज़ होंगे वो रहेंगे आपका वोटर ID, आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, आपकी ID प्रूफ या फिर आपके बिजली का बिल। तो ये जो दस्तावेज़ होंगे, ये आपको चाहिए होंगे जब आप अपने मोबाइल सिम को अपने आधार कार्ड से डीलिंक कराएंगे, क्योंकि आपको दस्तावेज़ पहचान के तौर पर दूसरे दस्तावेज़ आपको देने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को डीलिंक करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ना कराएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए, तो आप उसको डीलिंक करा सकते हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए StoryHow के साथ। धन्यवाद।